हाँ एवरीवन, ऑपरेशन रिसर्च में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को देख रहे हैं, सेम्यूलेशन। तो सेम्यूलेशन से आज हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और मॉन्टी कार्लो की एक टेक्निक है जिसको यूज करते हैं हम लोग सेम्यूलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग उसको उसे भी देखेंगे और दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो सेम्युलेशन क्या है? सेम्युलेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू द यूज ऑफ अ मॉडल और अदर डिवाइस विच विल रिएक्ट इन द सेम मैनर एज रियलिटी अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। अब सेम्युलेशन जो है एक रियलिटी का एक मॉडल बनाया जाता है, जैसे कि अगर हम लोग को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसी मशीन को इन्वेंट कर रहे हैं तो उस मशीन को हम लोग डायरेक्टली इन्वेंट नहीं किया कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। उस मॉडल को बना करके हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर रियल लाइफ में अगर इस सेम मॉडल को अप्लाई कर दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना बेनिफिट होगा और किस तरीके से ये काम करेगा, तो उसको चेक करते हैं। उसी टेक्निक को, इसी को बोलते हैं हम लोग सेम्युलेशन। सो सेम्युलेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ यूज ऑफ अ मॉडल डैट हैज डिजाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियालिटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एसेंस ऑफ एन एक्चुअल ऑपरेशन। जो एक्चुअल में जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या रियल लाइफ में, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करने की जगह पहले एक मॉडल बनाते हैं और मॉडल में उस ऑपरेशन को चेक करते हैं कि इससे किस तरीके से बेनिफिट होगा और इसे किस तरीके से हम लोग यूजफुल ले सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को सेम्युलेशन बोलते हैं। अब अगर टाइप्स देखें सेम्युलेशन का, तो सेम्युलेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब ये सारी डेफिनेशंस को आप लोग को बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्स में बहुत ही कम ही है जो पूछे जाते हैं। अगर टेस्ट वगैरह एग्जाम है तो आप लोग से पूछ लिए जाएंगे, बट फाइनल एग्जाम में इतने चांसेस नहीं है कि आपको इस तरीके से जो है नोट्स पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सेम्युलेशन, टाइप्स ऑफ सेम्युलेशन, ऐसे करके। बट हाँ, आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने इसका नोट्स का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दो टाइप के सेम्युलेशन होते हैं। सेम्युलेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, एनालॉग यानी कि एनवायरमेंटल सेम्युलेशन, और दूसरा होता है कंप्यूटर यानी कि सिस्टम सेम्युलेशन, जो कि कंप्यूटर पे बनता है। जो मॉडल हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, अगर उसको हम लोग एनवायरमेंटल रियल लाइफ में एक छोटा सा मॉडल बनाए, छोटा सा उसका डेमो बनाते हैं, तो उसको एनालॉग या एनवायरमेंटल सेम्युलेशन बोलते हैं। और अगर उस मॉडल को हम लोग कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, कंप्यूटर पे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अपना अप्लाई करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग कंप्यूटर या सिस्टम सेम्युलेशन। अब इसके सब कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है टेस्टिंग अ मॉडल। अब सेम्युलेशन का जो एग्जांपल है, मतलब सेम्युलेशन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ हैं, तो एक मॉडल को टेस्ट करने में सेम्युलेशन यूज हो सकता है, और मॉडल ऑफ अ ट्रैफिक सिस्टम, ये बेसिक दो एग्जांपल है। ट्रैफिक सिस्टम का एक मॉडल बना सकते हैं, जैसे कि अगर एक रोड बनाया जा रहा है तो डायरेक्ट एक रोड पास नहीं किया जा सकता, पहले देखा जाता है कि कौन से रोड को किस रोड से जाके मिलाना है, कितने तरीके से, और वहां पे क्या क्या सिग्नल्स होंगे, तो उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद जो है एक ट्रैफिक सिस्टम। सो ये जो है एक एग्जांपल है मॉडल ऑफ ट्रैफिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेम्युलेशन से, वो है रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल और रैंडम नंबर, ये दो बहुत ही मेन टर्म्स है सेम्युलेशन के चैप्टर से, क्योंकि इसी रैंडम नंबर को यूज करके मॉन्टी कार्लो जो है, हम लोग मॉन्टी कार्लो सेम्युलेशन मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम्स आएंगे हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, मॉन्टी कार्लो सेम्युलेशन मेथड से। और वो जो मेथड है उसने रैंडम नंबर और रैंडम वेरिएबल को काफी यूजफुल दिखाया है, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिख दी हुई है, आप लोग यहां से देख सकते हैं कि रैंडम नंबर क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ओवर अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल चांस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि जो मॉडल बनेगा, मतलब जो रियलिटी में जो चीज अप्लाई करने वाले हैं, उसका पहले एक मॉडल बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे जो है चांस पहले उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें रैंडम वेरिएबल का यूज होता है। रैंडम वेरिएबल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये रैंडम नंबर है और सीडो रैंडम नंबर है। रैंडम नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ नंबर इन अ सीक्वेंस। ये जो नंबर्स होते हैं रैंडम नंबर सीक्वेंस में होते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है वो सेम होता है किसी दूसरे नंबर से जो कि सेम सीक्वेंस में है। सो हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इन इज सेम एज दैट ऑफ एनी अदर नंबर इन दैट सीक्वेंस, उसका प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे यूज होता है, इसको हम लोग जब प्रॉब्लम्स को देखेंगे उसमें हम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा। और इसके बाद है सीडो रैंडम नंबर। सो ये क्या है, रैंडम नंबर्स आर कॉल्ड सीडो रैंडम नंबर्स व्हेन दे आर जनरेटेड बाय सम डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस, ठीक है। बट वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द प्री डिटरमाइंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर रैंडमनेस।
ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं मोंटी कार्लो टेक्निक या मोंटी कार्लो सिमुलेशन मेथड की। ये एक मेथड है जिससे हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, जो भी मॉडल हम बनाए हैं उससे हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ ऑप्टिमल उससे काफी क्लोज जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन से काफी क्लोज सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक को यूज करके। सिमुलेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मोंटी कार्लो टेक्निक, और यही वो टेक्निक है जिसमें रैंडम वेरिएबल यूज होते हैं। तो आगे हम लोग इसी वाले मेथड को यूज करेंगे। तो इसकी एल्गोरिदम जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, देखते हैं। मोंटी कार्लो सिमुलेशन यील्ड्स अ सॉल्यूशन वेरी क्लोज टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बट नॉट नेसेसरली द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इनका कहना है कि इनके टेक्निक को यूज करके हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के काफी क्लोज जो है हम लोग पहुंच सकते हैं। सो इनका जो कुछ है सिक्स स्टेप का प्रोसेस है, मैंने सिक्स स्टेप जो है लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे स्टेप्स जो है हम लोग को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सारे स्टेप्स को एक एक करके याद करें एंड फिर फॉलो करें। तो स्टेप वन, स्टेप टू, और यहाँ पर से स्टेप थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स मैंने लिखा हुआ है। तो इन सबको जो है याद करके आप लोगों को करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अगर तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा बिना स्टेप्स को देखे हुए। लेकिन एग्जाम्स में बोले जाते हैं कि मोंटी कार्लो के अल्गोरिदम्स को डिफाइन करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको ये वाला जो स्टेप्स है वो लिखना पड़ेगा। ये काफी सिंपल सा है, जैसे स्टेप वन में क्लैरिफाई द डिफाइंड प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम रहेगा उसको डिफाइन करना है, ऑब्जेक्टिव समझना है, उसके मेन फैक्टर्स क्या है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे है स्टेप वन। स्टेप टू में है कंस्ट्रक्ट एन एप्रोप्रिएट मॉडल, स्पेसिफाई वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स ऑफ मॉडल। मतलब बेसिकली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उसको ठीक से समझना है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं और उसका जो है फैक्टर्स को देखना है। स्टेप थ्री भी वही है, प्रिपेयर द मॉडल फॉर एक्सपेरिमेंट, डिफाइन द स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द सिमुलेशन। कुछ कंडीशंस तो होंगे ही ऑब्वियसली, अगर सिमुलेशन हम लोग सिमुलेशन या किसी भी मेथड को यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजों को देखना है। सो बेसिकली ओवरऑल जो है यही मोंटी कार्लो का स्टेप्स है। मेन स्टेप यहां पर आता है स्टेप फोर में, यूजिंग स्टेप वन एंड थ्री एक्सपेरिमेंट विद द मॉडल, डिफाइन अ कोडिंग सिस्टम दैट विल कोरिलेट द फैक्टर डिफाइन स्टेप वन विद द रैंडम नंबर टू बी जनरेटेड फॉर द सिमुलेशन। अब यहां पर रैंडम नंबर को हमें, अब रैंडम नंबर से क्या समझ में आ रहा है कि वो नंबर जो कि रैंडमली लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको भी जनरेट करने का प्रोसेस है। इसको हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से जनरेट करते हैं। सबसे बेसिक तरीका है रैंडम नंबर को जनरेट करने का कि हम लोग उसको अपने कंप्यूटर से जनरेट कर ले, और सेम नंबर रैंडम नंबर को हम लोग मोंटी कार्लो के सिमुलेशन टेक्निक में यूज करके हम लोग अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं सिमुलेशन के लिए। सो क्वेश्चंस को हम देखते हैं अब अपने। सो क्वेश्चन नंबर वन हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है कि रैंडम नंबर्स मे बी फाउंड थ्रू अ कंप्यूटर यूजिंग रैंडम टेबल्स और मैनुअली। द मोस्ट कॉमन मेथड टू ऑब्टेन रैंडम नंबर इज टू जनरेट देम थ्रू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे कि मैंने अभी बोला कि रैंडम नंबर को जनरेट करने का कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू वगैरह में, तो सबसे कॉमन जो मेथड है रैंडम नंबर को जनरेट करने का वो है कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उसे जनरेट कर सकते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ पे बोला जा रहा है ए टूरिस्ट कार ऑपरेटर फाइंड्स दैट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स द कार यूज हैज वेरीड सो मच। ठीक है, एक टूरिस्ट कार ऑपरेटर है, वो देख रहा है कि जो पास्ट कुछ मंथ में जो उसका कार जो है वो कार का जो यूज है वो काफी वेरी कर रहा है। सो मच डेट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कार वेरीड कंसिडरेबली। तो अगर कार का यूज वेरी कर रहा है तो कार का कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी जो है वो वेरी करेगा। सो ड्यूरिंग द पास्ट 200 डेज द डिमांड फॉर द कार फ्लक्चुएटेड एज बिलो। अब अगर कार का यूज और कार की जो है कॉस्ट वेरी कर रही है तो ऑब्वियसली उसका डिमांड वगैरह भी फ्लक्चुएट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि पास्ट 200 डेज में डिमांड जो है कार का फ्लक्चुएट किया है काफी ज्यादा। फ्लक्चुएट का मतलब ऊपर नीचे हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल में दिया हुआ है ट्रिप्स पर वीक और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो मोंटी कार्लो का सिमुलेशन की जो टेक्निक होती है ना उसमें फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी कोई एक चीज दी हुई रहती है। ठीक है, टेबल में हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें दी हुई रहती है। तो हमारे पास ट्रिप्स पर वीक है यानी कि यहाँ पे डिमांड है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, कि जीरो पर वीक है यानी कि वन ट्रिप पर वीक, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी 24। अब क्या है, सिमुलेट द डिमांड फॉर अ 10 वीक पीरियड। अब ये तो बता दिया थोड़ा सा, अब हमको निकालना है सिमुलेट द डिमांड फॉर द 10 वीक पीरियड और हमें रैंडम नंबर दे दिया है। अब क्वेश्चन में आपको रैंडम नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, कि ये वाला रैंडम नंबर आपको यूज करना है, जैसे हमें यहाँ पे दिया यूज द रैंडम नंबर दिस। अब इसको स्टार्ट करते हैं।
सो हमने स्टार्ट किया है, लिखा है सॉल्यूशन यूजिंग रैंडम नंबर सिम्युलेट द डिमांड फॉर द 10 वीक पीरियड। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे निकालने बोला है सिम्युलेट द डिमांड फॉर 10 वीक पीरियड, और ये जो डेटा दिया हुआ है हमारे पास, हमने इसी को यहाँ पे लिखा है ट्रिप्स पर वीक और डिमांड पर वीक। ठीक है, ये सेम चीज, ये जो सेम है ट्रिप्स पर वीक और फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ पे नोट किया है। अब इसके बाद का जो हमारा स्टेप है उसमें हम लोगों को फ्रीक्वेंसी के बाद प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले ऐड करेंगे। सो इसको ऐड करके हमारे पास आएगा 200। इसको ऐड करेंगे 16 प्लस 24 प्लस 30 60 प्लस 40 प्लस 30 200 आएगा। उस 200 के बाद क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 200 तो ये इक्वल टू होकर के आएगा हमारा 0.08। ठीक है, सिमिलरली 24 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.12। 30 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे ये वैल्यू आएगा 0.15। देन 60 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे ये वैल्यू आएगा हमारे पास 0.30। देन 40 डिवाइडेड बाई 200 ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.20। देन 30 डिवाइडेड बाई 200 ये आएगा 0.15। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं, जो सबसे पहला वाला प्रोबेबिलिटी है उसको जो है 0.08, उसको ऐसे ही लिख देंगे 0.08, और सेकेंड वाले को यहाँ पे सेकेंड्स में नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाले को इससे ऐड करते हुए नीचे लिखेंगे। सो 0.08 प्लस 0.12 ये आएगा 0.20। उसके बाद थर्ड वाले को सेकेंड से ऐड करेंगे, मतलब 0.20 प्लस 0.15 सो ये हो जाएगा 0.35। देन 0.30 प्लस 0.35 0.65। देन 0.20 प्लस 0.65 सो ये हो जाएगा 0.85। देन 0.15 प्लस 0.85 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, लास्ट में जो है 1 आ जाता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब इसके बाद का स्टेप है हमारे पास नंबर्स को टैग करने का। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में रैंडम नंबर्स दिए हुए रहेंगे, ये अलग चीज है, और अभी जो हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो नंबर्स को टैग करेंगे ये अलग चीज है। तो यहां लिखेंगे टैग नंबर्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 0.0 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर 0.00 जो है, तो 0. ये क्या है 0.8। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग 0.0 से, और ये 0.8 है तो एक कम करके लिखेंगे, तो 0.8 है तो 0.7 लिखेंगे। ठीक है, ये इसको टैग हो गया। अब 0.7 यहाँ गया, अब तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, 0.8 से स्टार्ट होगा, और ये क्या है 2.0 है, सो फिर से एक कम करेंगे तो 1.9 लिखेंगे, 19। फिर स्टार्ट करेंगे ये 20 से, और ये क्या है 3.5 है, तो ये एक कम करके 3.4 से यहाँ पे एंड होगा, और 3.5 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है 6.5 है, 65 सो एक कम करके क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 64 यहाँ तक आया, 65 से ये स्टार्ट होगा, ये है 85, एक कम करेंगे आ जाएगा 84। ठीक है, अब ये स्टार्ट होगा 85 से, और ये क्या है 1 है, एक कम करेंगे हो जाएगा 99। ठीक है, तो ये आया हमारे पास सारे नंबर्स को हमने अब टैग कर दिया है। अब हम लोगों को जो है अपना फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, जो हमारे जो हम लोग रैंडम नंबर्स को यूज करके करने वाले हैं। सो ये वो सारे इन्फॉर्मेशन हमने निकाले जो हमारे पास ऑलरेडी टेबल दिया हुआ था, उसको यूज करके हमने नंबर्स को टैग किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि द टैग नंबर्स आर अलोकेटेड फॉर द वेरियस डिमांड लेवल्स आर शोन इन द टेबल अबव। ये जो टेबल है इसको हमने नंबर्स को टैग किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, वीक 1 से लेकर के 10 दिया है। क्यों दिया है वीक 1 से 10, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था सिम्युलेट द डिमांड फॉर द 10 वीक पीरियड, हमें क्वेश्चन ही यही है सिम्युलेट द डिमांड फॉर 10 वीक पीरियड। तो हमने क्या किया, 10 वीक के लिए निकालना है 1 से लेकर के 10, और जो रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर हम लोग उसको यूज करेंगे। सो 82, 96 जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उसको हम लोग एज इट इज जो है 1 से लेकर के 10 तक सेम फॉर्मेट में उतारेंगे। तो 82 देन 96 18 96 20 84 56 11 52 एंड 3। ठीक है,
सेम रैंडम नंबर्स को हमने यहाँ पे लिख लिया और 10 वीक्स के लिए निकालने बोला था। अब हमें डिमांड निकालना है। डिमांड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने नंबर्स को टैग किए थे वो देखेंगे। अब जैसे कि ये रैंडम नंबर 82 है, ये 82 कौन से सीक्वेंस में आता है, 82 ये 65 और से 84 है, सो इनके बीच में 82 आता है। अब ये 82 का जो डिमांड है, ये डिमांड पर वीक और ट्रिप पर वीक, ये क्या है, 82 का 4 है, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसके सामने 4। सिमिलरली 96 है, 96 किसके बीच में आता है, 85 और 99 के बीच में 96 आता है, ये किसके अंडर में है, डिमांड के 5 डिमांड, ठीक है। 18 है, 18 जो है इन दोनों के बीच में आता है, तो इसका क्या होगा यहाँ पर 1, सो यहाँ लिखेंगे 1, फाइन। उसके बाद फिर से 96, सो फिर से 96 है, 96 इन दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर से 5। उसके बाद है 20, अब 20 जो है 20 से 34, तो ये होगा 2, फिर है 84, ये है 65 से 84, ये है 4, देन है 56 आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो 56 कितना है 3, फिर है 11 आता है 8 और 19 के बीच में, ये किसके सामने है 1, सो यहाँ पे आएगा 1, फिर है 52 यानी कि 35 और 64 के बीच में 52 आता है, तो ये कितना होगा 3, सो यहाँ लिखेंगे 3, एंड देन लास्ट है हमारा 3, तो 0 से 7 के बीच में आता है 3, तो ये किसके में है 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोगों ने सारे डिमांड निकाले, हमें बोला था सिमुलेट द डिमांड फॉर 10 वीक पीरियड, तो हमने 10 वीक पीरियड के लिए हमने डिमांड निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 4 + 5, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर 28, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखा है कि द सिम्युलेटेड डिमांड फॉर द कार फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स, 10 वीक्स का जो डिमांड है कार का वो टेबल में दिया हुआ है। टोटल डिमांड आया हमारे पास 28, सबको ऐड करके एवरेज डिमांड क्या होगा, जो टोटल आया है 28 उसको डिवाइड कर देंगे, कितने वीक्स है यहाँ पर, 10 वीक्स है, तो 28 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.8 कार्स पर वीक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, जो हमारे पास डेटा दी हुई थी, ये क्वेश्चन था, जो हमारे पास डेटा दी हुई थी, हमारे पास ट्रिप्स पर वीक और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, और हमें नेक्स्ट 10 वीक्स के लिए डिमांड निकालना था, रैंडम नंबर्स भी दिए हुए थे। फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारे पास दी हुई थी, तो इससे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला, प्रोबेबिलिटी के बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाला, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नंबर्स को टैग किया, ठीक है। नंबर्स को टैग करने के बाद हमें क्योंकि बोला था 10 वीक्स के लिए निकालने के लिए, तो हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने दिखाया कि 10 वीक्स फिर हमने दिखाया यहाँ पर कि 10 वीक्स के लिए निकाल रहे हैं, और रैंडम नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए थे उसको लिखा। अब इस रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग जो हमने नंबर्स को टैग किए थे उसमें से देखा कि कौन कौन से नंबर्स के बीच में क्या क्या हमारा डिमांड आ रहा है, उन सबको लिख दिया, और हमें टोटल डिमांड निकालना था, तो टोटल डिमांड आया 28 और एवरेज डिमांड आया 2.8 कार्स पर वीक, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न्स आउट अबाउट 100 कार्स अ डे, बट डेविएशन अकर्स ओनिंग टू मेनी काउस, द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। अब एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, अब वो जो कार जो है उसमें डेविएशन देखा जा रहा है। अब जो प्रोडक्शन पर डे है उसकी टेबल हमें यहाँ पे दी हुई है, और डायरेक्टली हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्शन पर डे दिया हुआ है, जैसे कि 95 प्रोडक्शन पर डे और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, फिनिश्ड कार आर ट्रांसपोर्टेड, अब जो भी कार बन रहा है क्योंकि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, तो जो भी कार बन रहा है, फिनिश्ड कार आर ट्रांसपोर्टेड, तो जो कार बना उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक फेरी से, ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बे एट द एंड ऑफ ईच डे बाई अ फेरी, हर डे के लास्ट में, क्योंकि प्रोडक्शन पर डे है, तो 95 कार बना एक दिन में, फिर दूसरे दिन जो है 96, 97 इस तरीके से बन रहा है, और इसमें डेविएशन देखे जा रहे हैं, ठीक है, थीके? और हर दिन के लास्ट में जो कार्स बनी है उसको एक फेरी से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, फेरी मतलब एक शिप है, उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इफ द फेरी हैज स्पेस फॉर ओनली 101 कार्स, अब उस शिप में, उस फेरी में सिर्फ 101 कार की जगह है, सो व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिप्ड एंड व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द शिप, हमें ये निकालने बोला है, ठीक है।
और हमारे पास रैंडम नंबर्स दिए हुए। अब हमारे पास रैंडम नंबर कितने का निकालना है, कितने कार्स के लिए निकालना है, कितने दिन के लिए निकालना है, ये नहीं बोला। हमारे पास रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं 97, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमारे पास 15 रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको नहीं बोला गया है कि कितने का निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे रैंडम नंबर्स को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 15 रैंडम नंबर्स दिए हुए, तो हमें 15 के लिए ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है प्रोडक्शन पर डे और प्रोबेबिलिटी का, सेम वही कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और नंबर्स को टैग करेंगे। ठीक है, तो सेम जो हमारे पास डेटा गिवन था उसको हमने यहाँ पे एज इट इज नोट किया है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया था हमने सेम इसको यहाँ पे कॉपी किया है। अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सेम स्टेप, सबसे पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे 0.03, एंड सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, तो 0.08 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15, देन 0.25, देन 0.40, देन 0.60, देन 0. इन दोनों को ऐड करेंगे 75, देन इन दोनों को ऐड करेंगे 0.85, देन इन दोनों को ऐड करेंगे 0.92, देन इन दोनों को ऐड करेंगे 0.97, देन इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, ये हमारा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकलने के बाद नंबर्स को टैग करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 0.3 में है। अच्छा, अगर ऐसा रहे कभी भी कि यहाँ से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमारा कुछ अलग आए, इसके कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रहे और उसमें 0.30 आए, तो हम लोग 30 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से देख के इसी के अकॉर्डिंग टैग करना है, 0.0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0.03 है, एक कम करके लिखेंगे 0.2, और यहाँ 2 से ख़त्म हुआ है, 3 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा, 8 है तो 7 तक जाएगा, 7, देन 8 से स्टार्ट होगा, ये 15 है तो 14 तक जाएगा, फिर 15 से स्टार्ट होगा, ये 25 है तो 24 तक लिखेंगे, फिर 25 से स्टार्ट होगा, ये 40 है तो 39 तक जाएगा, 39 के बाद 40 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये 60 है तो ये 59 तक जाएगा, फिर 60 से स्टार्ट करेंगे, ये 75 है तो 74 लिखेंगे, फिर 75 से स्टार्ट होगा, ये 85 है तो एक कम करके 84 लिखेंगे, फिर 85 से स्टार्ट होगा, ये 92 है तो 91 लिखेंगे, फिर 92 से स्टार्ट होगा, ये 97 है तो 96 लिखेंगे, और फिर 97 से स्टार्ट होगा, ये 1 है तो 99 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को अपने टैग कर दिया। टैग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रैंडम नंबर का यूज करते हैं, और जो हम लोगों को निकालने बोला है, हमें क्या निकालने बोला है कि फेरी में 101 कार्स की जगह है, डेली कार बन रहा है फेरी में, फेरी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 101 कार की जगह है, हर दिन हो रहा है, तो अब हम लोग को निकालना है कि जो कार्स बन रहे हर पर डे, उसमें कार की जो एवरेज है वेटिंग, जो कितने कार वेट कर रहे हैं शिफ्ट होने के लिए डेली, और अगर ऐसा भी हो रहा है कि कभी कार कम हो जा रहे हैं, जैसे कि 101 कार की जगह है शिप पे, कभी कार कम हो रहे हैं तो शिप जो है खाली रह जा रहा है, तो वो शिप की जो है आइडलनेस, जो है एम्प्टी स्पेस ऑन द शिप, उसको भी निकालना है। और अगर 101 कार से ज्यादा हो गए, यानी कि कभी आज के दिन पे 105 कार बन गए, तो ये भी निकालना है कि कितना वेट करेगा। तो जैसे कि 105 बना है तो 101 की जगह है तो 4 कार वेट करेगा, उस तरीके से हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे एक नया टेबल बनाया है अपना, सॉल्यूशन टेबल। यहाँ लिखा है सिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ कार फॉर द नेक्स्ट 15 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 15 डेज का मैं कॉन्सेप्ट मैंने बताया, 15 डेज इसलिए क्योंकि हमारे पास जो रैंडम नंबर्स दिए हुए थे, ये 15 रैंडम नंबर्स दिए हुए थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 15 डेज के लिए जो है प्रोडक्शन पर डे निकालना है। अब जैसे ही हमें यहाँ पे 1 से लेकर के हमने 15 डेज के लिए किया है, रैंडम नंबर्स को जो क्वेश्चन में दिए हुए थे यहाँ पर, रैंडम नंबर सारे एज इट इज यहाँ पे हमने कॉपी किया है। अब प्रोडक्शन पर डे को हम लोग निकालेंगे जो हमने नंबर्स को टैग किए थे, जैसे कि यहाँ पर 97 है, सो 97 कौन से के बीच में आता है, 97 से 99, तो इसका प्रोडक्शन पर डे क्या है, 105, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके बीच में 105, देन 02 क्या है, ये है, तो 02 कितने में आता है, 95 में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 95, एंड देन फिर 80 आएगा हम लोग को यहाँ, यहाँ पर 75 से 84 के बीच में, तो ये 80 है 102 के लिए, सो यहाँ लिखेंगे 102, देन फिर आता है हमारा 66,
66 है इन दोनों के बीच में, 66 लाई करेगा, ये है 101, सो यहाँ लिखेंगे 101। देन 96 है, सो 96 यहाँ पर आता है, 96 ये आता है 104 के लिए, यहाँ लिख देंगे 104। उसके बाद है 55 आता है हमारा इन दोनों के बीच में 55, तो ये है 100 के लिए, ये 100 लिखेंगे। देन 50, तो 50 भी आता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 100। देन 29 आता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे 99। देन 58 आता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ लिख देंगे 100। देन 51 भी इन दोनों के बीच में आता है, 40 और 59 के बीच में 51 आता है, 100 लिखेंगे फिर से यहाँ पर। देन है यहाँ पर 4 आता है इन दोनों के बीच में, देन 96। देन 86 है, 86 आते हैं इन दोनों के बीच में, तो 103 यहाँ लिखेंगे 103। देन 24, सो 24 आता है, या 24 है ये, सो ये है 98, यहाँ लिखेंगे 98। देन उसके बाद है नंबर 39 आता है, हाँ यहाँ पर है 39, ये आता है 99 पे, सो 99। देन 47, सो 47 इन दोनों के बीच में आता है, ये है 100। ओके, सो ये जब जैसे ही प्रोडक्शन पर डे आ गया, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्शन पर डे नहीं निकालने बोला है, पिछले क्वेश्चन में हमें यही निकालने बोला था, और हमने यहाँ पर से जो है टोटल निकाल करके एवरेज निकाल दिया था, बट यहाँ पे हमें निकालने बोला है कि कितने नंबर ऑफ कार वेट करेंगे और कितने जो है शिप की जो है एम्प्टी स्पेस रहेगी, और यहाँ पर हमें कार की सॉरी शिप की जो लिमिट दी हुई, फेरी हैज स्पेस ओनली 101 कार्स, तो 101 कार की जगह है शिप पे, ठीक है, 101 कार की जगह है शिप पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो कार की प्रोडक्शन हुई है एंड ऑफ द डे जो कार की प्रोडक्शन हुई वो है 105 कार बन चुकी है, 101 की जगह है शिप पे, तो क्या होगा, 4 कार को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो 105 माइनस 101 करेंगे तो 4 आएगा, 4 कार को क्या होगा, नंबर ऑफ कार जो है वेटिंग में चला जाएगा, क्योंकि ये एक्सीड कर गया, 101 की जगह थी, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी तो कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा 101 स्पेस हम लोग दे देंगे शिप में, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लेकिन 4 कार को वेट करना पड़ेगा। सेकेंड डे जो है डे 2 क्या होगा, कार की प्रोडक्शन कितनी हुई, 95 हुई, इसका मतलब इस शिप में कितनी जगह है, 101 कार की जगह है, तो कोई कार वेट तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ शिप में जो है एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, मतलब 101 लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 95 लेके जा रहे हैं, तो कितनी जगह बच जाएगी, 6 कार की जो है जगह बच जाएगी, 101 माइनस 96 करेंगे तो 6 कार की जगह बच जाएगी। उसके बाद 102 है, तो 102 को फिर से देखेंगे, 101 की जगह है, ये एक्सीड कर रहा है, 101 से जो भी ज्यादा है वो वेटिंग वाले में जाएगा, और जो भी 101 से कम है वो नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस में जाएगा, 101 से ज्यादा है ये 102 हो गया, तो 1 कार वेट करेगा और स्पेस कुछ भी नहीं रहेगी, ये 101 ही है, तो यहाँ पर कुछ भी जो है ना वेट कर रहा है ना कुछ स्पेस रहेगा, कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। 104 में क्या होगा, 3 कार जो है वो वेट करेगा और स्पेस कुछ भी नहीं रहेगा, 100 मतलब कुछ भी जो है वेट नहीं करेगा, लेकिन 1 जो है एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, सिमिलरली यहां पर भी 1 एम्प्टी स्पेस रहेगा। 99 में क्या है, 1 कुछ भी वेट नहीं करेगा, लेकिन 2 जो है एम्प्टी स्पेस रह जाएगा शिप में 99 कार्स में। सिमिलरली 100 में भी क्या होगा, कुछ वेट नहीं करेगा, लेकिन 1 एक की जगह बच जाएगी, और यहां पर भी एक की जगह बच जाएगी, 96 कार बनी है, 101 की जगह है, तो कोई वेट तो नहीं करेगा, लेकिन 96 की जगह, इसका मतलब यहां पर 5 कार जो है वो वेट, 5 जगह जो है खाली रह जाएगी। 103 में क्या है, 2 कार जो है उसको वेट करना पड़ेगा, 101 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और 2 कार को वेट करना पड़ेगा, स्पेस जगह कुछ भी खाली नहीं रहेगी। 98 में क्या है, यहाँ पे कार को वेट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जगह खाली रह जाएगी 3 की जगह। 99 में स्पेस कुछ वेट कुछ कोई भी कार नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह खाली रह जाएगी, और 100 में भी 101 को लेके जा सकते हैं, 100 ही कार बनी है, तो एक जो है जगह खाली रह जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, अब क्या करेंगे, फाइनली एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग निकालेंगे, तो हमें जो आंसर निकालना है वो है एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिप्ड। अब यहाँ पे अगर चार्ट को देखें तो पहला दिन हमने 105 कार बनाए, जिसमें से 4 कार जो है उसको वेट करना पड़ेगा, और
जो इम्प्टी स्पेस रहेगा शिप में वो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा दिन उल्टा हो जाएगा। दूसरे दिन क्या देखने को मिल रहा है कि जो कार की प्रोडक्शन हुई है वो 95 कार बनाए हम लोगों ने, तो जो शिप पे जो ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे कार कुछ वेट नहीं करेगा हमारा, लेकिन 6 कार का जो जगह शिप में 6 कार की जगह बच रही है। तो इसी तरीके से हर एक दिन के लिए, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार वेटिंग सबको ऐड कर देंगे, 4 + 3 + 2 4 + 1 + 3 + 2, तो यहां पर आएगा 10 नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिप्ड, तो यह हो जाएगा 10 टोटल, और इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। 15 से इसलिए डिवाइड करिए क्योंकि ये जो नंबर ऑफ डेज है ये 15 है, सो 15 से डिवाइड किए ये आएगा 0.67 कुछ आएगा पर डे, मतलब एवरेज कार जो वेट करेगा वो होगा 0.6 पर डे। हर दिन तो वेट नहीं कर रहा है, हम लोग देख सकते हैं कुछ कुछ कोई ऐसा भी दिन है जिसमें कार वेट नहीं कर रहा है, लेकिन किसी किसी दिन कार जो है 4, 1, 3 इस तरीके से वेट कर रहा है, तो एवरेज निकालेंगे आएगा 0.67। इसी तरीके से एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द शिप क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द शिप इस सबको ऐड कर देंगे, 6 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 5 + 3 + 2 + 1, सो ये वैल्यू आएगा कुछ हमारा 23। इसका भी एवरेज निकालना है, इसको भी 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 1.53 पर डे। तो कितना कार जो है, कितने कार की स्पेस एम्प्टी है, मतलब फेरी में 1.53 कार जो है जा सकती है ऑन एन एवरेज पर डे में, अगर हम लोग इस तरीके से चले तो, ठीक है। सो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, जहां पे थोड़े ज्यादा टेबल्स बनेंगे हमारे, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।